अपनी पावर दिखाने का ना शौक चढ़ा हुआ है। वो बताते हैं कि भाई जाके जिम्बाब्वे में खेलें या जाके वेस्ट इंडीज में खेलें, उनकी लड़कियां खेलें, उनके लेजेंड्स खेलें, या फिर सूर्या की कप्तानी में पहला मैच टीम इंडिया खेले, भाई वो अनबीटेबल है, अनस्टॉपेबल है। जिस तरीके से आज भाई ऋषभ पंत ने मारा, जिस तरीके से आज शमन गिल ने मारा, या स्पेशली यशस्वी जसवाल ने मारा, भाई कहते थे कि अभिषेक को लेके आओ, भाई जरूरत ही नहीं है अभिषेक की, आप या किसी कीमत पे भी नहीं जीत रहे थे। जो इंडिया ने टारगेट दिया था वो श्रीलंका की, कह लें कि बड़े से बड़े भी जो कब्र से उठ के भी जिंदा होके भी वो मैच वो टारगेट कभी भी चीज नहीं कर सकते थे। इंडिया की इस टाइम जो टीम है वो बहुत ऊपर लेवल की है। इंडिया की अगर बॉलिंग नहीं चलती तो बैटिंग चल जाती है, बैटिंग नहीं चलती तो बॉलिंग चल जाती है। जो इंडिया ने टारगेट दिया था ना, सूर्या कुमार यादव की अगर बात की जाए तो मेरे ख्याल में उसने एज अ प्लेयर भी अच्छा नाम अपना सिक्का मनवाया, एज अ कैप्टन भी वो अपना सिक्का मनवा रहे थे। एक प्लेयर जो रोहित शर्मा के अंडर खेल गया है, रोहित शर्मा की कैप्टनसी से सीख के आया, मेरे ख्याल में उसकी कैप्टनसी भी रोहित शर्मा की जैसी ही होगी ना। अब प्लेयर प्लेयर को कॉपी करता था, उन्होंने सूर्य कुमार यादव ने रोहित शर्मा को कॉपी किया, जयसवाल ने रोहित शर्मा को कॉपी किया ऐसा। वालेकुम सलाम सर, आज फिर से इंडिया ने बता दिया है नंबर वन बैटिंग है तो फिर हमारी है, फिर वो नंबर वन पे आए, वन डाउन आए, फिर चौथे नंबर तक आखिर तक चलती गई है बैटिंग। सर T20 था, श्रीलंका था, 214 का टारगेट देने की कोई खास जरूरत आवश्यकता थी नहीं जो इन्होंने किया है? मैं समझ नहीं पा रही हूँ सर, क्या करता है इंडिया, क्यों करता है? देखिए इंडियंस को अपनी पावर दिखाने का ना शौक चढ़ा हुआ है। वो बताते हैं कि भाई जाके जिम्बाब्वे में खेलें या जाके वेस्ट इंडीज में खेलें, उनकी लड़कियां खेलें, उनके लेजेंड्स खेलें, या फिर सूर्या की कप्तानी में पहला मैच टीम इंडिया खेले, भाई वो अनबीटेबल है, अनस्टॉपेबल है। जिस तरीके से आज भाई ऋषभ पंत ने मारा, जिस तरीके से आज शमन गिल ने मारा, या स्पेशली यशस्वी जसवाल ने मारा, भाई कहते थे कि अभिषेक को लेके आओ, भाई जरूरत ही नहीं है अभिषेक की, आपके पास पहले से ही क्या कहते हैं सोने पे सुहागा पड़ा है, आपका हर प्लेयर ही अनबीटेबल है, आपका हर प्लेयर ही 200 स्ट्राइक रेट उनके लिए मजाक बना हुआ है। देखिए गिल 212 स्ट्राइक रेट, अगर बात करें आप जसवाल 200 के राउंड वार्ड, सूर्या बात करें 22/50 एज ए कैप्टन, देखिए कैप्टनसी तो उनके खून में चल रही है। जिस तरीके से रोहित ने की, हम कह रहे थे यार रोहित चला गया लेगेसी कौन कंटिन्यू करेगा, सूर्या ने कहा आई एम हियर। सूर्या ने जिस तरीके से लेगेसी को कंटिन्यू किया, सबसे ज्यादा 59 टाइम्स ने कर दी है 200+ स्ट्राइक रेट के साथ, ग्लेन मैक्सवेल का रिकॉर्ड उस बंदे ने तोड़ दिया, बाबर का रिकॉर्ड उस बंदे ने तोड़ दिया रन के हिसाब से, तेसरी ने उसने 2000 रन कर दिए। तो मतलब सूर्य कुमार यादव आया है प्लेनेट पे भाई सिर्फ रिकॉर्ड्स बनाने के लिए, सिर्फ बात सूर्या की करेंगे तो गलत हो जाएगा। ऋषभ पंत भाई जिस तरीके से इंजरी से कम बैक करने के बाद वर्ल्ड कप में खेला, और आज जैसे उसने पहली 17 बॉल पे उसके 16 रन, लेकिन उसके बाद जो उसने एंड में आके अपने गियर चेंज किए हैं भाई रिमार्केबल था। जो प्लेयर आ रहा है उसने आज श्रीलंका पे खूब हाथ धोए हैं अपने। बिल्कुल ऐसा ही, क्या हो गया है इंडिया के प्लेयर्स को? अगर हम सूर्य की बात करें, श्रीलंका के स्काई पर आज सिर्फ स्काई का नाम लिखा हुआ था, इसके बारे में क्या कहेंगे? ओवरऑल देखिए बिल्कुल ऐसा ही है, लोग कह रहे थे कि यार सूर्य कुमार यादव का जब वर्ल्ड कप में 1 से 2 मैच में इसने परफॉर्म किया, उसके बाद कहा कि इसको ड्रॉप करो, फिर इसने वर्ल्ड कप कैच पकड़ के वर्ल्ड कप जीतवा दिया इंडिया को, उसके बाद से कैप्टन बनाया गया, लोगों ने कहा हार्दिक हार्दिक हमें हार्दिक कैप्टन चाहिए। तो भाई आज आप लोगों को पहले ही मैच में जवाब मिल गया होगा कि सूर्या जब कैप्टन बनता है तो वो अलग ही ग्रेवी बन जाता है, वो किसी के हाथ नहीं आता। जिस तरीके से ऑस्ट्रेलिया सीरीज, ऑस्ट्रेलिया वर्ल्ड कप जीते इंडिया से, सूर्य कुमार यादव ने 4-1 से बदला लिया, अफ्रीका गए 18 साल के बाद सीरीज जीती ओडीआई 1-1 से बराबर, सॉरी 1-1 से बराबर कर दी 18 साल के बाद। तो भाई ये वो कैप्टन थी जो टीम इंडिया को रिक्वायर्ड थी, और भाई गौतम गंभीर के टेन्योर के अंदर टीम इंडिया का एक गोल्डन एरा, पहले भी गोल्डन ही था मैं कहता हूँ, अब डायमंड एरा स्टार्ट हो चुका है। जिस तरीके से इंडिया कंटिन्यू कर रहा है यार 214 रन पहले मैच में मारना यंग लड़कों के साथ, जहां रोहित और विराट की जोड़ी निकली है अभी, लेटेस्ट निकली है, आपकी टीम ने उनके बिना अभी पहला ही मैच खेला है, नोटो जिम्बाब्वे खेला, वो बिल्कुल एक एसोसिएट टूर था, हम उसे मेन टूर नहीं मानते, ये पहला टूर था, उसमें जाके पहले मैच में से धमाकेदार बैटिंग करना, मैं कहता हूँ दुनिया की आंखें खोल दी है इंडिया ने कि भाई उनके पास टैलेंट पे टैलेंट पड़ा है। अच्छा हम लोगों ने बहुत देख लिया, इंडिया ने बॉलर्स प्रोड्यूस किए, इंडिया ने बैटर्स प्रोड्यूस किए, फील्डर्स प्रोड्यूस किए, अब इंडिया लीडर्स प्रोड्यूस करने पे आ गया। बिल्कुल ऐसा ही है, देखिए आज की प्लेइंग 11 में हम देख लेते हैं, शमन गिल एक कैप्टन, ऋषभ पंत दूसरा कैप्टन, हार्दिक पांड्या तीसरा कैप्टन, सूर्या चौथा कैप्टन, उसके बाद अगर बॉलिंग में आप आ जाएं तो अर्शदीप सिंह ने 2-3 मैचेस में कप्तानी किया पंजाब किंग्स की। तो भाई नो डाउट उनके, मैंने जैसे आप, मैंने आपको कहा कि उनके ब्लड में, उनके वेन्स के अंदर कैप्टनसी जो है ना इनहेल कर दी गई है उन लड़कों को, यार मैं फर्क नहीं पड़ता उन लोगों को। सूर्य कुमार से कल इंटरव्यू हुआ, उसने कहा इंजन ही चेंज हुआ है, बोगियां सेम है, बोगियों को कुछ नहीं हुआ। तो भाई वही बात है, बोगियां बिल्कुल सेम है, इंजन चेंज हो गया है। तो जिस तरीके से पहले परफॉर्म करते थे, मैं कहता हूँ लड़के उससे आगे निकल गए, पहले तो 170, 180, 190 पे ब्रेक लगाते थे, आज 214 पे। अगर यहाँ पे हार्दिक अपना थोड़ा सा हाथ डाल देता या रिंकू डाल देता 250 कन्फर्म था, मस्त कन्फर्म था। बिल्कुल ठीक है जी, थैंक यू। सवाल होगा जिस तरह से इंडिया ने बैटिंग की है आज, श्रीलंका को हिलने नहीं दिया, और श्रीलंका के नाक के नीचे से श्रीलंका के घर में 214 का टारगेट दिया और फिर अचीव भी नहीं होने दिया, क्या कहेंगे?
मुझे कल से ही लग रहा था, जिस तरह मुझे पता था कि इंडिया और श्रीलंका का मैच होने वाला, मुझे पूरा आइडिया था कि इंडिया किसी कीमत पे भी नहीं जीतने देगा। जो इंडिया ने टारगेट दिया था वो श्रीलंका की, कह लें कि बड़े से बड़े भी जो कब्र से उठ के भी जिंदा होके भी वो मैच वो टारगेट कभी भी चीज नहीं कर सकते थे। इंडिया की इस टाइम जो टीम है वो बहुत ऊपर लेवल की है। इंडिया की अगर बॉलिंग नहीं चलती तो बैटिंग चल जाती, बैटिंग नहीं चलती तो बॉलिंग चल जाती है। जो इंडिया ने टारगेट दिया था ना श्रीलंका को 213 का, वो श्रीलंका से तो कभी भी होने वाला नहीं था। इंडिया की जिस तरह की बॉलिंग है, जिस तरह की बैटिंग है, वो तो श्रीलंका की कह लेंगे, मुझे नहीं लगता कि श्रीलंका कर पाएगी। और मुझे यही था कि यार इंडिया ने जीत ही जाना है, इतने मार्जिन अच्छे से जीत जाना है। यार श्रीलंका को चाहिए था थोड़ा सा इंडिया को टफ टाइम दे, थोड़ा सा, ताकि मैच के लिए जो मैच के अंदर जो ट्विस्ट होता है, जो मजा आता है वो होना चाहिए था। लेकिन श्रीलंका तो आराम से ढेर होगी, श्रीलंका के जो बड़े बड़े बैटर थे वो भी आराम से इंडिया के आगे वो जीतते गए को काफी होगी। यार श्रीलंका ने बहुत कोशिश की है, बड़े हाथ पांव मारे हैं कि यार किसी तरीके इंडिया से जीत गए। इंडिया क्योंकि नंबर वन टीम है, इंडिया ने उनकी कोई भी ऐसी चलने नहीं दी। सूर्य कुमार यादव ने आज बता दिया कि मुझे कैप्टन बनाए, मुझे फील्डर बनाए, मुझे एज अ प्लेयर बनाए, मैं कहने के आउट क्लास है। उसकी जिस जगह पे भी देख ले, उसकी जिस तरह की परफॉर्मेंस है यार आउट क्लास है। उसने बता दिया कि आधा कैप्टन के साथ होना, प्लेयर होना, कैप्टन होना, दोनों चीजों को कंपेयर करके दोनों को टीम को लेकर चलना आज उसने बता दिया श्रीलंका को। स्कूल कुमार यादव की अगर बात की जाए तो मेरे ख्याल में उसने एज अ प्लेयर भी अच्छा नाम अपना सिक्का मनवाया, एज अ कैप्टन भी वो अपना सिक्का मनवा रहे थे। एक प्लेयर जो रोहित शर्मा के अंडर खेल गया है, रोहित शर्मा की कैप्टनसी से सीख के है, मेरे ख्याल में उसकी कैप्टनशिप भी रोहित शर्मा की जैसी ही होगी ना। अब प्लेयर प्लेयर को कॉपी करता था, उन्होंने सूर्य कुमार यादव ने रोहित शर्मा को कॉपी किया, जयसवाल ने रोहित शर्मा को कॉपी किया एज अ प्लेयर, एज अ अटैकिंग ओपनर। पता क्या, जैसे आज मैच की सिचुएशन अगर हम जयसवाल से बात करेंगे, हमें भी मुझे पर्सनली फील नहीं है कि रोहित शर्मा नहीं खेल रहा है एज ऑफ अटैकिंग ओपनर, जयसवाल खेल रहा है। तो देखिए आज जैसे उसने 21 में 40 स्कोर किया, जिसके अंदर आई थिंक सो छक्को चौको के नंबर गिने नहीं जाएंगे मेरे ख्याल से। और आई थिंक सो जैसे शुभमन गिल ने स्टार्टअप दिया, वाइस कैप्टन से मैंने बताया कि उसके पास वन डाउन आते, सूर्य कुमार यादव ने 8 चौके 2 छक्के मार के अपना कैप्टनसी का होता भी मनवाया कि लाइक मैं अच्छा बैट्समैन ही नहीं अच्छा कैप्टन भी हूँ। और नहीं नहीं कैप्टनसी में थोड़ी सी कमियां नहीं, लाइक जैसा बॉलर कॉम्बिनेशन आएगा, अगर एक बॉलर को स्कोर पा रहा है तो कहां पे कौन सा बॉलर लगाना, इसका एक थोड़ा वीकनेस हो गई, उसके अलावा मैं वीकनेस को नहीं तो यही श्रीलंका की टीम थी जिसको ओटी वर्ल्ड कप के अंदर इसी इंडिया के प्लेयर ने सिराज ने 7 स्कोर खाकर 6 विकेट निकाली थी। तो मेरे ख्याल में कुछ वर्किंग होने वाली है सूर्य कुमार यादव के ऊपर एज अ कैप्टन, बस एज अ प्लेयर नहीं। बाकी आज जैसे मैच नजर आया श्रीलंका ने बहुत हाथ पैर मारे, बहुत मैच को निकाला, लेकिन एट द एंड मशहूर है इंडिया इंडियन बॉलर्स के हालत से मैच निकालना उनको आता है, उन्होंने निकाला। बिल्कुल जी, थैंक यू। अच्छा मुझे ये बताइएगा, जिस तरह से इंडिया की बैटिंग आ चली है, हम लोगों ने सूर्य कुमार यादव को तो देखा ही देखा, हम लोगों ने शुभमन गिल को देखा, जयसवाल को देखा, ऋषभ पंत को देखा, हर एक बंदा आता जा रहा है, परफॉर्म करता जा रहा है, 214 का टारगेट दे दिया, अब बेचारे श्रीलंका से कैसे होता। देखिए नो डाउट, आज जैसे हमने बात किया कि हम इन 4 प्लेयर्स की परफॉर्मेंस को एक साइड पे रखते, इंडिया के टोटल स्पोर्ट्स मैन को, स्पोर्ट्स वुमेन्स को एक साइड पे रखते तब भी ये परफॉर्मेंस भारी है। क्योंकि देखिये ये शुभमन गिल, जयसवाल, स्काई और ऋषभ पंत ने स्टार्टिंग में बहुत स्लो खेला, लेकिन नीचे से आगे जैसे उसने अपना एक प्रेशर मेंटेन कराया श्रीलंका के ऊपर, देखे 49 स्कोर करके जाना, अचानक से हिटिंग पे आ जाना, आउटस्टैंडिंग। ये मेरे ख्याल से ये जिसके अंदर टैलेंट होता है वही करके दिखा देता है, विदाउट टैलेंट प्लेयर ऐसा परफॉर्म नहीं कर सकता। और इंडियन टीम के अंदर एक एक प्लेयर के अंदर टैलेंट कूट कूट के बढ़ा रहे हैं। वो देखिए रियान पराग खेल रहा है, संजीव सैमसन 2020 से बेंच पे बैठा हुआ, 4 सालों से बेंच पे है, उससे ऊपर देखे कितना टैलेंट अभी मौजूद होगा उनके पास। बिल्कुल ऐसा ही है।